सब्सक्राइब करिए हेल्थ केयर हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरीके के कुछ शाइनी और स्ट्रेट हेयर्स चाहती हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको हेयर सिल्क ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि इस तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट आप किसी अच्छे सैलून में किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं। इसके लिए बालों को सबसे पहले शैम्पू से अच्छे से धो लें ताकि इस पर लगा किसी भी प्रकार का तेल या कलर निकल जाए। बाल धोने के बाद इसे टॉवल से हल्के से पोंछ लें। इसके बाद बालों को चार सेक्शंस में डिवाइड कर दें, ईयर टू ईयर और बैक साइड में, ताकि जो हम क्रीम लगाएंगे वो अच्छे से अप्लाई हो सके। दोस्तों, यहाँ जो क्रीम यूज़ किया जा रहा है वो है लॉरियल का एक्सटेंसो। दोस्तों, आपको इस प्रोसेस के बारे में बताऊं कि इसमें मेन चीज़ें क्या होती हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि बालों का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ दिया जाता है ताकि जो हमारी बालों की शेप है उसको जो भी शेप हम देंगे आगे जाके वो उसी शेप में रह जाती है। तो पहला प्रोसेस होता है बॉन्ड को तोड़ना, बालों के बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है जिससे हम आगे जो शेप दे रहे हैं वो रह जाए। और दूसरा जो प्रोसेस होता है उसको स्ट्रेट किया जाता है, उस चीज़ को वैसे ही स्टेबल रखा जाता है ताकि जो हमने बॉन्ड तोड़े थे वो वापस जुड़ जाएं और उसके बाद जो हमारे हेयर हैं वो वापस स्ट्रेट रहें। तो कुछ इस तरीके से बालों के छोटे छोटे सेक्शंस बना के और क्रीम को बालों में अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से क्रीम को अप्लाई किया जा रहा है। ध्यान रखना है कि जो ये क्रीम है वो स्कैल्प पे ना लगे, 1/4 इंच छोड़ के बालों को स्कैल्प से वहाँ पे क्रीम लगानी है। अब ये पूरी क्रीम जो आप देख सकते हैं कि हेयर पे अप्लाई कर दी गई है। अब इसे तकरीबन 20 से 30 मिनट तक छोड़ना है। वो डिपेंड करता है आपके बालों पे, आपके बाल किस तरीके के हैं। अगर ज़्यादा घुंघराले और ज़्यादा रफ टफ हैं तो आपको 45 मिनट तक छोड़ना पड़ सकता है। बीच बीच में चेक किया जाता है कि बालों के बॉन्ड जो हैं वो टूटे हैं या नहीं। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से धो लिया जाएगा। अब बालों के बॉन्ड के टूट जाने के बाद बालों को अच्छे से धो लेना है, मगर ध्यान ये रखना है कि हमें यहाँ पे शैम्पू यूज़ नहीं करना। शैम्पू यूज़ करके हम उस केमिकल को भी निकाल देंगे, तो इसलिए शैम्पू यूज़ ना करें। इसके बाद इसमें हेयर मास्क लगाकर 10 मिनट तक छोड़ा जाता है।
और उसको भी फिर अच्छे से धो लिया जाता है, वो भी विदाउट शैम्पू। अब बालों को अच्छे से सुखाया जा रहा है। बालों को अच्छे से सुखा लेने के बाद फिर से बालों की पार्टीशनिंग करी जा रही है और अब बालों को आयरन करना है ताकि बाल हमारे स्ट्रेट हो। तो आयरन देखिए कुछ इस तरीके से करना है। आयरन करते समय भी ये ध्यान देना है कि आयरन को ज़्यादा देर तक बालों में ना लगा के रखें, उसको हल्के से स्प्रेड करते जाएं, अदरवाइज़ बाल टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये प्रोसेस भी बड़े ध्यान से करना है ताकि हमारे बाल जो हैं वो ना ख़राब हों। बाल सारे के सारे स्ट्रेट कर लिए गए हैं। दोस्तों अब बालों में न्यूट्रलाइजर लगाया जा रहा है जिससे कि जो हमने बॉन्ड शुरू में तोड़े थे क्रीम लगा के अपने बालों के बॉन्ड को, उनको वापस लॉक किया जाएगा। जिस तरीके से हमारे बाल जो हैं वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैं अभी, तो उनको लॉक करना पड़ेगा अदरवाइज़ ये वापस मुड़ जाएंगे। तो ये न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगाई जाती है जिससे कि जो बालों के बॉन्ड्स थे वो वापस लॉक हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से ये क्रीम लगाई जा रही है, उसी तरीके से जैसे हमने पहले मॉइस्चराइज़र लगाया था ताकि हमारे जो बॉन्ड टूटे। स्कैल्प पे नहीं लगाना और स्कैल्प को छोड़ के और सारे बालों में इवनली स्प्रेड करना है और बालों को इस वक्त जिस शेप में हम रखेंगे उसी शेप में हमारे बाल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि बालों को हम स्ट्रेट रखें और उसको मोड़े नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे हेड पे और पूरे बालों में ये क्रीम अप्लाई हो चुकी है। अब इसे वो तकरीबन 20 से 30 मिनट तक छोड़ देना है ताकि बॉन्ड वापस क्लोज हो जाए और उसके बाद अच्छे से इसको धो लेना है। हल्का सा इसमें हेयर सीरम लगा के इसको, अब इसको हमें सुखाना है तो इसको ब्लो ड्रायर से हम ब्लो करके सुखाएंगे। और इसको ध्यान रखना है कि बालों को जैसे अभी भी मोड़ना नहीं है, तकरीबन 3 दिनों तक हमें बालों को ऐसे ही रखना होता है, पानी नहीं डालना होता और बालों को बिल्कुल मोड़ना नहीं है। अगर हम बालों को मोड़ते हैं तो हमारे जो हेयर हैं वापस उसी शेप में आ जाएंगे यानी कि मुड़ जाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि बालों को ना मोड़ें और नहाते वक्त भी बालों को गीला ना करें और बस बालों को इसी तरीके से केयर करनी है तकरीबन 3 से 4 दिन तक। उसके बाद आप नॉर्मली हेयर को रख सकते हैं, वापस टाई भी कर सकते हैं। अभी आप इसको टाई भी नहीं कर सकते, रबर बैंड नहीं लगा सकते। तो दोस्तों ये था रिज़ल्ट इस ट्रीटमेंट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हेयर हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लग रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं और साथ ही साथ शाइन भी कर रहे हैं। तो हेयर सिल्क ट्रीटमेंट था ये, इसमें आप देख सकते हैं कि हेयर जो है वो बिल्कुल सिल्की नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ स्ट्रेट भी हैं। पहले ये बाल कुछ घुंघराले से थे, मुड़े हुए से थे, मगर अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं था, बेसिकली एक प्रोसेस था जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरीके से ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर और भी इस तरीके की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा जल्दी मिल जाए।